हमारे साथ या हमारे सामने जब कोई ऑफेंस होता है, कोई क्राइम होता है, तो सबसे पहले हम पुलिस स्टेशन जाते हैं FIR फाइल कराने। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पुलिस आपकी FIR लिखने से मना कर देती है। सो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि अगर पुलिस आपकी FIR लिखने से मना कर दे तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले यहां पर आपको एक चीज जान लेनी चाहिए कि ऑफेंस यानी क्राइम दो तरह के होते हैं, कॉग्निजिबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। कॉग्निजिबल ऑफेंस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 2C में दिए गए हैं, जबकि नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 2L में दिया गया है। कॉग्निजिबल ऑफेंस वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें पुलिस किसी को भी बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अगर पुलिस को किसी कॉग्निजिबल ऑफेंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस इमीडिएटली FIR फाइल करती है और उस ऑफेंस के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। अगर पुलिस को किसी पर्सन के खिलाफ कोई एविडेंस मिलता है या पुलिस को किसी पर्सन पर शक होता है तो पुलिस उसे बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकती है। कॉग्निजिबल ऑफेंस जनरली सीरियस नेचर के होते हैं, जैसे कि मर्डर, रेप, दहेज हत्या वगैरह। इस तरह के कॉग्निजिबल ऑफेंसेस में पुलिस को हायर अथॉरिटी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है और पुलिस को FIR या इन्वेस्टिगेशन की भी जरूरत नहीं होती है। पुलिस के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी पर्सन को सिर्फ शक की बिना पर अरेस्ट कर सकती है। कॉग्निजिबल ऑफेंसेस में पुलिस किसी भी पर्सन को बिना किसी FIR या वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, जबकि नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस में पुलिस किसी पर्सन को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। पुलिस को हायर अथॉरिटी से एक वारंट लेना होता है, उसी के बाद वो उस पर्सन को गिरफ्तार कर सकती है। नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस सीरियस नेचर के नहीं होते हैं, जैसे कि चीटिंग, फ्रॉड या किसी को हर्ट करना। जैसे ही पुलिस को किसी नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस के बारे में पता चलता है तो पुलिस FIR फाइल नहीं करती है, बल्कि पुलिस उस मैटर को GR डायरी यानी जनरल डायरी में लिख लेती है और फिर वारंट लेकर उस ऑफेंडर को अरेस्ट करती है और उसे कोर्ट के सामने पेश करती है। तो अगर आपके साथ जो ऑफेंस हुआ है अगर वो नॉन कॉग्निजिबल है, गैर संज्ञेय अपराध है, एक सीरियस क्राइम नहीं है, तो आप उसमें FIR फाइल नहीं करा सकते हैं। उसमें पुलिस आपकी कंप्लेन फाइल करती है और जनरल डायरी में नोट कर लेती है। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और वारंट लेकर जिसके खिलाफ आपने कंप्लेन की है उसको अरेस्ट करती है और कोर्ट के सामने पेश कर देती है। लेकिन आपके साथ जो ऑफेंस हुआ है अगर वो एक सीरियस क्राइम है, एक कॉग्निजिबल ऑफेंस है, तो उसमें पुलिस की ये ड्यूटी बनती है कि वो आपकी FIR फाइल करे। FIR या तो आप घर से लिखकर ले जा सकते हैं या फिर आप वहां पर बोल सकते हैं और वो लिखेंगे। FIR लिखवाने के बाद आपको उसको पढ़कर उस पर सिग्नेचर करने होते हैं। इसके बाद आपको FIR की एक कॉपी दे दी जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर पुलिस आपकी FIR लिखने से मना कर दे बिना किसी वैलिड रीजन के, तब आपको क्या करना चाहिए। कॉग्निजिबल ऑफेंस होने पर भी अगर पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है तो आपको सीनियर ऑफिसर जैसे कि SP के पास जाना चाहिए और रिटन में कंप्लेन करनी चाहिए, या फिर आप SP को बाई पोस्ट भी अपनी कंप्लेन सेंड कर सकते हैं। अगर आपने SP को कंप्लेन की और उसके बावजूद भी आपकी FIR फाइल नहीं हुई है, तब आपको CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 के तहत मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की अदालत में कंप्लेन करनी चाहिए। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास ही पावर होती है कि वो FIR दर्ज करने के लिए पुलिस को ऑर्डर दे सकता है। अगर पुलिस आपकी FIR लिखने से मना कर रही है तो आपको SP को कंप्लेन करनी चाहिए। अगर SP को कंप्लेन करने के बावजूद भी FIR नहीं लिखी गई है, तब आप मैजिस्ट्रेट को कंप्लेन कर सकते हैं, और अगर आप एक बार मैजिस्ट्रेट को कंप्लेन कर देते हैं तो डेफिनेटली आपकी FIR फाइल हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि मैजिस्ट्रेट पुलिस को FIR फाइल करने का ऑर्डर न देकर पुलिस लाइन से किसी पुलिस वाले को इंक्वायरी करने का ऑर्डर देता है। वो पुलिस वाला आपके मामले की इंक्वायरी करता है और रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को सौंप देता है। इसके बाद अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि आपके मामले में FIR फाइल होनी चाहिए, तब वो पुलिस को ऑर्डर करता है कि वो आपकी FIR को फाइल करे। पुलिस FIR को फाइल करती है और फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। सो गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर आपके साथ कोई ऑफेंस होता है और पुलिस उसकी रिपोर्ट फाइल नहीं करती है, तब ऐसे मामले में आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।